नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष। आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। आज हम इस वीडियो के अंदर हुक्का पार्लर ओपन कैसे करते हैं। बहुत सारे यंगस्टर्स के मन में एक क्वेश्चन होता है कि मेरे को अपना एक हुक्का पार्लर ओपन करना है तो मैं कैसे कर सकता हूं, कैसे सारे के सारे लाइसेंस को ले सकता हूं और कितने रुपए मेरी जेब से लगेंगे और कहां पर ये सारे के सारे लाइसेंस मिलेंगे। क्योंकि ये स्टार्टिंग से लेके एंड तक आप वीडियो जरूर देखिएगा। एक भी लाइसेंस अगर आपका मिस होता है तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। बेफालतू में आपके ऊपर कोई भी फाइन कितने भी रुपए का लगा जाएगा या आपसे मतलब रिश्वत ले सकता है। तो ये सारी चीजों से बचने के लिए एक लीगली तौर पर अपनी स्टेट के अंदर हम अपना एक हुक्का पार्लर कैसे ओपन कर सकते हैं। पूरी इंडिया के अंदर आप किसी भी कोने में रहते होंगे तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो एटलीस्ट लगेंगे ही लगेंगे अपना एक हुक्का पार्लर सेटअप करने के लिए। तो इस वीडियो के अंदर आपको मैं शुरू से लेकर एंड तक सारे के सारे लाइसेंस की फॉर्मेलिटीज बताऊंगा, कौन से स्टेट में कहां पर आप जगह जाकर ले सकते हैं, कितने रुपए आपकी जेब से इस पर्टिकुलर लाइसेंस के ऊपर लगेंगे, वो आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो अब हम ज्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा आज का टॉपिक है, हुक्का पार्लर का लाइसेंस हम कैसे ले सकते हैं। सिर्फ लाइसेंस की बात कर रहा हूं आपको, मैं पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले क्लियर कर देता हूं कि जो हुक्का को बेचना, एक जो हुक्का के जो मॉडल होता है उसको बेचना या फिर एक अपना पार्लर सेटअप करके हुक्का मतलब देना लोगों, वो दोनों डिफरेंस है। जब आप कहीं से हुक्का खरीदने जाते हो, पूरा का पूरा मॉडल एक खरीदने जाते हो, एक पान शॉप से आप खरीदते हो, वो अलग है। उसके लिए आपको कोई भी लाइसेंस जो मैं ये बता रहा हूं वो इंक्लूड नहीं होंगे, वो अलग पूरा पूरा सेटअप होता है स्टेप बाय स्टेप, वो भी आप कभी चाहेंगे तो मैं बताऊंगा। लेकिन जब मैं अभी बात करूं, अगर एक रेस्टोरेंट खोलकर आप अपना हुक्का पार्लर खोलना चाहते हैं ताकि आपके पास लोग आए, बैठकर आपका खाना वाना खाएं और हुक्का लेना चाहें, वो ऑफर करना चाहें, आप ले सकते हैं। तो वैसा अगर आपको पार्लर सेटअप करना है, बहुत अच्छा अपना सेटअप करना है, तो उसमें क्या क्या लीगल डॉक्यूमेंट्स आपके लगते हैं एक पार्लर को सेटअप करने के लिए, तो मैं उसके बारे में इस वीडियो के अंदर सारी की सारी डिटेल्स प्रोवाइड कराऊंगा। सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं कि एक पार्लर सेटअप करने के लिए कौन सा एरिया हमारे को चूज करना पड़ेगा। जिस एरिया के अंदर हम खोल रहे हैं तो क्या उस एरिया में हम खोल सकते हैं। सबसे पहले एक बात आपको ध्यान रखनी है कि 100 मीटर के अंदर अंदर आपको एक ऐसी जगह पर नहीं खोलना है जहां पे कोई भी स्कूल हो, कॉलेज हो, या फिर हॉस्पिटल हो, या हॉस्टल हो, या फिर एक अपना प्लेस ऑफ वर्शिप हो। 100 मीटर की दूरी में आपको नहीं खोलना है। फॉर एग्जांपल एक स्कूल बना हुआ है, उसकी जो दीवार की साइड में आपने अपना पार्लर खोल लिया तो ऐसा नहीं कर सकते। 2-3 दुकानें आप मतलब छोड़कर खोल सकते हैं, जैसे कि हमने बचपन में ही पढ़ा था 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर, तो उसी से आप अपना 100 मीटर कैलकुलेट करके मतलब खोल सकते हैं फिर अपना पार्लर। दूसरी बात आती है कि साफ साफ मैं क्लियर बोल रहा हूं कि आप अपना अगर हुक्का पार्लर खोलना चाहते हैं तो उसके अंदर आपको अपना रेस्टोरेंट खोलना जरूरी है, खाने पीने की चीजें इंक्लूड करना जरूरी है, FSSAI का लाइसेंस लेना जरूरी है। क्योंकि सिर्फ आप हुक्का के लिए खोलोगे तो वो इल्लीगल माना जाएगा। आपको अपने मेन्यू के अंदर खाने पीने की चीजें साथ ही में अपना हुक्का का इंक्लूड मेन्यू में कर सकते हैं, तभी वो लीगल माना जाएगा। अगर आप सिर्फ रेस्टोरेंट और हुक्का का मिलाते हो तो वो लीगल माना जाएगा। पहले मैंने ये क्लियर कर दिया है। दूसरी बात आती है, 18 ईयर्स से कम लोगों को आपको हुक्का ऑफर बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं, किसी ने कंप्लेंट कर देता है, तो उसी में आपको फाइन बहुत मोटा लगाया जाएगा आपके ऊपर। फोर्थ बात आती है कि भाई जो आपके पड़ोसियों से आप अपने एक NOC लेकर रख लो, उस एरिया जिस एरिया में आप खोल रहे हो वहाँ पे थोड़ा सा लोकेलिटी जो है, रहने वाले लोग हैं, थोड़ी मार्केट एरिया कम है, तो उस केस के अंदर आपको NOC लेना जरूरी है। फिफ्थ बात आती है, आपके जो पार्लर होगा उसके अंदर CCTV कैमरा होंगे, तो उस CCTV कैमरा की मिनिमम फुटेज 3 महीने की एटलीस्ट होनी चाहिए कि कोई आए कि भाई हमारे को फुटेज देखनी है, तो मिनिमम आपके पास 3 महीने तक की फुटेज आपके CCTV कैमरा के अंदर होनी चाहिए। अब मेन बात आती है कि आपको लाइसेंस किन किन तरीके के चाहिए होते हैं। टोटल आपको लाइसेंस जो है एक हुक्का पार्लर को खोलने के लिए 10 लाइसेंस चाहिए होते हैं। वो 10 लाइसेंस कौन कौन से होते हैं मैं आपको बताता हूं। और मैं पहले बता रहा हूं कि जो लाइसेंस के रेट्स होंगे ये स्टेट टू स्टेट थोड़े बहुत वेरी कर सकते हैं, 100, 200, 500, 1000 मैक्सिमम इतना आपका वेरी कर सकता है। तो मैंने कैलकुलेशन बताई थी तो उसके अंदर टोटल आपका 32,700 रुपये तक का अप्रॉक्स खर्चा आएगा लाइसेंस को अपना लेने के लिए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ, बिजनेस अपना रजिस्ट्रेशन आपको कराना है, जैसे कि एक अपना पार्लर का अपने नाम सेटअप कर लिया, और एक मान लेते हैं एक बंदा चाहता है भाई मैं ही ओनर बनूंगा उस अपने पार्लर का, तो वो सोल प्रोप्राइटर के तौर पे अपना बिजनेस रजिस्ट्रेशन कराएगा, या फिर 2 लोग मिलके खोलना चाहते हैं पार्टनरशिप करा सकते हैं, 2 लोग मिलके खोलना चाहते हैं वो एक LLP भी करा सकते हैं, उसको बोलते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। वो चाहेंगे कि भाई मैं जितनी जेब से पैसा लगा रहा हूँ सिर्फ उतना ही नुकसान झेलने के लिए मतलब लायक हूँगा मैं, और इससे ऊपर नुकसान होगा मैं उतना नहीं झेलूंगा, तो उसको बोलते हैं LLP। तो वो जब आप अपना बिजनेस रजिस्ट्रेशन जिससे करवा रहे होंगे वो आपको अच्छे से सब कुछ डिफरेंस बता देगा
उस डिफरेंस को समझ के आप अपना बिजनेस को रजिस्टर कराना। मैंने एक एग्जांपल बता रखा है कि LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का आप अगर रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उसके आपके मोटा मोटा 7,000 रुपये तक के आपके जेब से खर्चा होगा, पहला लाइसेंस आपके पास आ जाएगा। दूसरा आता है एक ट्रेड लाइसेंस बहुत जरूरी है लेना। ये ट्रेड लाइसेंस की फीस जो है आपको 4,800 रुपये के करीब लगती है, साथ ही में गवर्नमेंट की फीस लगती है। वो गवर्नमेंट की फीस आपके स्टेट के ऊपर वेरी करती है कि भाई आपके स्टेट कितना चार्ज कर रही है आपसे, तो ये ट्रेड लाइसेंस हम ले का सकते हैं। आपकी स्टेट के अंदर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का जहाँ पे ऑफिस होगा भाई वहाँ जाओ, अप्लाई करो, फॉर्म भरो, उनको बताओ कि मैं अपना हुक्का पार्लर सेटअप करना चाहता हूँ, मेरे को आप ट्रेड लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ बताइए। या फिर कोई स्टेट के अंदर हेल्थ डिपार्टमेंट होता है स्टेट के अंदर ही, वहाँ पर जाकर भी ट्रेड लाइसेंस मिलता है, तो आप वहाँ जाकर भी पता करिए। ये दो जगह पर, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या फिर हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर। तीसरी आती है शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट फी, जो 5,000 रुपये की होती है। ये एक तरीके की फी होती है, किसको दी जाती है? ये दी जाती है चीफ इंस्पेक्टर, यानी कि स्टेट का चीफ इंस्पेक्टर होता है एक, वो कौन से डिपार्टमेंट का होता है? एक लेबर डिपार्टमेंट के अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ लेबर के अंदर एक स्टेट चीफ इंस्पेक्टर बैठता है। वहां पर जाकर उसको आपको अप्लाई करना है, मतलब फॉर्म भरना होगा आपको शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट फी के कॉलम का। फिर वहां पे आपको 5,000 रुपये फीस पे करनी पड़ेगी उस इंस्पेक्टर को। अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी भाई शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट फी का जो लाइसेंस है, ये फी है 5,000 रुपये की, हम क्यों पे कर रहे हैं? जो आपके पार्लर के अंदर लोग काम करेंगे, आपका स्टाफ होगा, तो ये उनके राइट्स को बचाने के लिए आपसे 5,000 रुपये की फी ली जाती है कि भाई अगर आप जो है उनसे ज़्यादा काम करवा रहे हो, जितना काम होना चाहिए, जितने टाइम का काम वर्किंग आवर्स होने चाहिए उससे ज़्यादा काम करा रहे हो, या फिर कोई बीमार है आप उसको छुट्टी नहीं दे रहे हो, तो ये सारी की सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए आपसे पहले ही शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट फी मतलब पे करवा ली जाती है 5,000 रुपये की। अगर आप वायलेशन करोगे तो आपके ऊपर कंप्लेंट आराम से हो सकती है। एक आता है म्यूजिक का लाइसेंस। म्यूजिक के लाइसेंस के आगे मैंने डैश इसलिए डाला हुआ है कि मान लो आप एक ऐसी जगह पर अपना पार्लर खोलना चाहते हो जहां पर और भी पार्लर्स हैं। अब सबने वहां पे लाइसेंस ले रखी है, म्यूजिक लाइसेंस, और आप अपना पार्लर अभी नया नया खोला है और आप बिना लाइसेंस में गाने पे गाने बजाए जा रहे हो, तो कोई आपकी कंप्लेंट करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, आपसे सब जलेंगे नहीं कि भाई हमने तो पैसे पे करके म्यूजिक लाइसेंस खरीदा है और ये बिना लाइसेंस पे करे अपने ऑनलाइन गाने चला रहा है, तो इस केस के अंदर आपके ऊपर आराम से कंप्लेंट हो जाएगी, तो उसमें आपको म्यूजिक का लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब एक ऐसी जगह खोल रहे हो जो थोड़ा रहने वाली जगह है, वहां पे ज्यादा लोगों के मतलब कैफे नहीं खुले हैं, ज्यादा दुकानें नहीं है, तो इस केस के अंदर वहां पर 1% को चांस है कि आप म्यूजिक लाइसेंस लिए बिना अपना पार्लर सेटअप करके और अपना जो है मतलब सॉन्ग्स बजा सकते हो। वहां पे आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी क्योंकि वहां पे कोई एक्चुअल बेसिस पे इतना ज्यादा कंप्लेंट करने वाला कोई बंदा होगा ही नहीं। फिर भी अगर कंप्लेंट करने वाला हुआ तो आपके दिमाग में एक बात रहेगी कि भाई मुझे म्यूजिक लाइसेंस अब ले लेना चाहिए, यहां से जाके लेना पड़ेगा। इसलिए मैंने डैश यहां पर लगा रखा है कि आपके स्टेट के ऊपर वेरी करता है कि म्यूजिक लाइसेंस की फी आप कितनी पे करोगे। अब एक दूसरी बात आती है कि अगर आपको अपना अच्छा खासा पार्लर सेटअप करना है, वहाँ पे आपको चाहते हैं कि भाई मेरे पास लाइव परफॉर्मेंस के लिए भी गाना गाने वाले आए, सिंगर्स आए, तो उस केस के अंदर आपको इंडियन परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी के पास जाना पड़ेगा, या उनको मेल भेजना पड़ेगा या उनसे ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा, उनसे एक तरीके से परमिशन लेनी पड़ेगी। थोड़ी बहुत फीस भी होती है इसकी, ज़्यादा बिल्कुल फी नहीं होती है, वो भी आपको उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा जब आप अपना लाइव परफॉर्मेंस के लिए सिंगर्स बुलाना चाहते हैं तभी। अब इसके अंदर एक बात आती है फूड लाइसेंस, ये तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जब मैंने आपको बोल दिया था कि भाई आप हुक्का पार्लर के अंदर इंक्लूड करोगे रेस्टोरेंट, तो रेस्टोरेंट अगर मैं बात कर रहा हूँ तो आपको FSSAI का तो लाइसेंस लेना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर आपका रेस्टोरेंट खोल रहे हो और आपके पास ये वाले लाइसेंस नहीं है तो आपका 2 दिन बाद ही आपको जो रेस्टोरेंट है वो सील कर दिया जाएगा। तो इससे बेहतर यही है आप 4,500 रुपये पे करो, ऊपर नीचे हो सकता है 4,000 भी हो सकते हैं, कहीं पे 5,000 भी हो सकता है, कहीं पे 4,700 भी हो सकता है और कहीं पे 4,500 भी हो सकता है। ये लाइसेंस वेरी करता है कि भाई आप कितने टाइम पीरियड के ले रहे हो। मिनिमम तो आपको 1 साल का मतलब टाइम, 1 साल के लाइसेंस मिलता है, मैक्सिमम आपको 5 साल तक के लाइसेंस मिलता है। यानी कि किसी ने 1 साल का लाइसेंस लिया, जो प्रिस्क्राइब फ्री है वो पे करी, तो 1 साल के बाद उसको दोबारा रिन्यूअल कराना पड़ेगा उस पर्टिकुलर लाइसेंस को। 5 साल तक के लिए लिया तो हर 5 साल के बाद उसको अपना लाइसेंस रिन्यू करवाना पड़ेगा। किसका? फूड लाइसेंस का नाम होता है उसका, कौन से डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा? FSSAI के अंदर। अब आती है 6th, फायर सेफ्टी लाइसेंस। ये फायर सेफ्टी लाइसेंस ज़्यादा से स्टेट्स में फ्री होता है, यहाँ पे कोई भी फी पे नहीं करनी पड़ती, अप्लाई करना पड़ता है, 10 से 12 दिन का टाइम लगता है, वो अप्रूवल देखते हैं आपके एरिया को देखते हैं, क्योंकि आप जो है एक फायर फ्लेम्स वाला काम कर रहे हो इसी वजह से।
अब सेवंथ बात आती है रजिस्ट्रेशन, यानी कि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन। भाई जब आप अपना बिजनेस को रजिस्टर करा रहे हो तो आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी कराना बहुत मस्ट होगा। मतलब एक तरीके से कंडीशन होती है आपकी इनकम के बेसिस पर, लेकिन मैं कहूँगा कि पहले आप अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा के रखिए। 1000 रुपये की फीस होती है, ज़्यादा नॉमिनल फी है, और 5 से 6 दिन का टाइम लगता है। वैसे तो 1-2 दिन में ही हो जाता है, 2-3 दिन में हो जाता है, तो वो स्टेट के ऊपर भी वेरी करता है। और अब आपकी बात आती है 8th जो लाइसेंस आपको लेना है, स्टाफ लाइसेंस होता है एक, लेबर रजिस्ट्रेशन के तौर पे 100 रुपये ऑनवर्ड्स होता है। मतलब जितना आपका स्टाफ है तो 100-100 रुपये का आपकी एक स्टाफ लाइसेंस लेना पड़ेगा, लेबर का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। एक ये पूरा नाम होता है स्टाफ लाइसेंस एंड लेबर रजिस्ट्रेशन, 100 रुपये पर बंदे के हिसाब से आपको पे करने पड़ेंगे। ये भी डिपार्टमेंट के अंदर पैसे लगते हैं कि जब आप अपना शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट फी कर रहे होंगे उसी के कॉलम के अंदर आपको ये ऑप्शन भी चूज करने को होता है। जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे वो आपको गाइड करेंगे, ब्रीफ करेंगे कि आपको क्या क्या कैटेगरी चाहिए। अब एक 9th हमारा आता है पॉल्यूशन सर्टिफिकेट। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सर्टिफिकेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, क्योंकि ये आप एक फ्लेम जलाने वाला काम कर रहे हो, यानी कि एक आप हुक्का पार्लर खोल रहे हो तो वहाँ पे ऑब्वियस है आप हुक्का जलाओगे, तो उस केस के अंदर फ्लेम का आपका जहाँ पे फ्लेम का काम होता है तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जरूरी है पॉल्यूशन सर्टिफिकेट लेना। पॉल्यूशन सर्टिफिकेट की वैरी करती है, 12,000 भी होता है कहीं पे, 12,000 भी होता है कहीं पर, 10,000 भी होता है कहीं पे, 9,000 भी होता है। तो मैंने अभी 10,000 रुपये अप्रॉक्सीमेट प्राइस लेकर चल रहा हूँ। ये DPCC का मतलब होता है दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी। जैसे कि मैं दिल्ली रहता हूँ तो मेरे स्टेट में दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी जो है पॉल्यूशन सर्टिफिकेट इशू करती है। ऐसी आपकी स्टेट में पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी होगी, वो आपको इशू करेगी। 10,000 रुपये मैंने एक अप्रॉक्सीमेट अमाउंट बताया है जो आपकी जेब से खर्च होंगे ही होंगे। अब 10वां और आखिरी लाइसेंस होता है कि लाइसेंस फ्रॉम पुलिस कमिश्नर। पुलिस कमिश्नर साहब के पास आप एक एप्लीकेशन डालोगे कि भाई ऐसे ऐसे बात है, ये सारे लाइसेंस मैंने अचीव कर लिए हैं, यानी कि ले लिए हैं, और मैं अब आपका फाइनल लाइसेंस आपके पास लेने आया हूँ, मैं अपना हुक्का पार्लर सेटअप करना चाहता हूँ। तो 300 रुपये की फ़ी आपकी लगेगी, वो आपको अपना पुलिस कमिश्नर ऑफिस के अंदर आपको अप्लाई करना पड़ेगा, और जैसे ही अप्रूवल मिल जाता है उसके नेक्स्ट डे से आप अपना पूरा का पूरा बिजनेस अच्छे से चालू कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो के अंदर हुक्का पार्लर के लाइसेंस को लेने के लिए क्या क्या दिक्कतें आएंगी, या फिर कितना रुपया जेब से लगेगा, कहां पर जाकर लेना पड़ेगा, वो एक एक डिटेल बिल्कुल ब्रीफ तौर पे मैंने आपको समझाई होगी। तो मैं आशा करता हूं कि आप मेरे भाई, मेरी स्टेट में तो बैन है हुक्का पीना, लेकिन मैं उनको क्लियर करता हूं भाई COVID-19 की वजह से कुछ स्टेट के अंदर हुक्का को चालू करने से, मतलब पार्लर्स के अंदर पीने से पार्लर्स को बैन करा हुआ है सिर्फ COVID-19 की वजह से। जब COVID-19 खुल जाएगा तो उसके बाद तो सारी के सारे चीज़ें नॉर्मल डेली लाइफ के अंदर जो होती हैं वो तो चलेंगी। तो इसका आप फायदा उठाओ ना, पहले से आप अपने स्टेट के अंदर सारी चीज़ें कंफर्म करके रखो। मेरे को रजिस्ट्रेशन कराना है, मेरे को यहाँ जाना है, मेरे को कोई भी फूड लाइसेंस लेना, मेरे को यहाँ जाना है, मेरी जेब से इतना खर्चा होगा। तो पहले से अपने एक नोट्स बनाकर रखो कि ताकि जैसे ही बैन हटे वैसे ही आप अपने सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर अप्लाई कर दो, जल्दी से जल्दी आपका लाइसेंस आपके हाथ में होंगे सारे के सारे। तो इसका फायदा उठाओ और बात को समझो जो मैंने आपको समझाई है। बैन कहीं पे नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ऑर्डर पहली बहुत पहली आ गया था कि हुक्का पार्लर्स को बैन नहीं किया जा सकता है, तो इस वजह से बैन नहीं होगा, सिर्फ COVID-19 की वजह से टेम्परेरी बेसिस पे बैन करा हुआ है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपके सारे डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए होंगे। फिर भी कोई डाउट रह गए तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप मेरे को डाउट अपना बताइएगा। मैं आशा पूरी उम्मीद रखूँगा कि आपके सारे डाउट क्लियर कर पाऊँ। थैंक यू, धन्यवाद।